गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले चैप्टर को हमने पूरा किया, उसमें बच्चों हमने आप लोगों को अनुवाद लिखने के लिए और उसका प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिया था, और हमारा हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसको अपने फेयर रजिस्टर में कर लिया होगा। बच्चों, आज हम लोग दूसरे पाठ का प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक है अनियुक्ति विलासक। अनियुक्ति विलासक का अर्थ होता है बच्चों अनियुक्तियों का सौंदर्य या सुंदरता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेंगे, उसका क्या अर्थ है। जब आपको शब्द अर्थ अच्छे से याद हो जाएगा तब आप उसके श्लोक के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो आइए हम लोग शब्द अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थ नित्राम मतलब बच्चों होता है बहुत अधिक। जैसे हम बच्चों शब्द बोल रहे हैं तो आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए और उसके अर्थ को बोलिए, इससे आप लोगों को अच्छे से याद होता चलेगा। नीचो अस्मि इति, नीचो अस्मि इति मतलब नीचक प्लस अस्मि प्लस इति, इन तीन शब्दों के योग से मिलने से एक शब्द बनाया बच्चों। अस्मि मतलब हूँ, नीच यानी नीचा या गहरा, और इति मतलब ऐसा, मैं नीच यानी गहरा हूँ ऐसा। त्वम, त्वम मतलब होता है तुम। खेतम, खेतम मतलब दो। कदापि, कदा प्लस अपि, यहाँ दो शब्द हैं बच्चों, संधि विच्छेद जब करेंगे तो मिलेगा कदा प्लस अपि, यानी कदा यानी कभी, अपि मतलब भी। मा कृथा, मा मतलब होता मत और कृथा मतलब करो यानी मत करो। अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत यानी अत्यधिक, सरस हृदय यानी बहुत जल युक्त। यतः, यतः मतलब होता है बच्चों क्योंकि। परेशान, परेशान मतलब दूसरों के। गुण गृहतासी यानी गुण यानी दूस जो है गुण ग्रहण करने वाले हो, इसका दो अर्थ होता है। एक गुण मतलब होता है बच्चों गुण विशेषता जिसको बोलते हैं, और एक गुण मतलब होता है रस्सी। ये तो पहले श्लोक का बच्चों शब्द अर्थ हुआ। अब हम दूसरे श्लोक का शब्द अर्थ शुरू करें हैं। नीर छीर विवेके, नीर मतलब होता है जल और छीर मतलब दूध। दूध और जल को अलग करने के कार्य में। हंसालस्यम, हंस प्लस आलस्यम, यहाँ पे भी संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिलके ये एक शब्द बना है। हंस आलस्य करोगे। त्वम एव, दो शब्द इसको ही जुड़ा है बच्चों, संधि हुई है। त्वम प्लस एव यानी त्वम मतलब होता है तुम, एव मतलब ही, तुम की। तनुषे, तनुष्य मतलब होता है करते हो। चेत मतलब यदि। विश्व अस्मिन अधुना अन्या, इसमें बच्चों चार शब्द जुड़े हुए हैं। विश्व अस्मिन अधुना अन्या, इसका अर्थ हुआ बच्चों तो इस समय विश्व में अन्य, अधुना मतलब इस समय। कुल व्रतम, कुल के व्रत को यानी अपनी मर्यादा को। पालिष्यति यानी पालन करेगा। कह मतलब कौन, तो बच्चों इसको आप अच्छे से वर्ड मीनिंग रट लीजिए। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, अनियोक्ति विलास, अनियोक्तियों की सुंदरता। नित्राम नीचो अस्मि इति, त्वम खेदम कूप
कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशाम गुण गृहीतासि। बच्चे जैसे हमने पढ़ा है ना वैसे ही आप भी इसको उच्चारण मेरे पीछे पीछे करते चलिएगा। नित्राम, नित्राम मतलब बच्चों होता बहुत अधिक, और नीचो अस्मि इति मतलब नीच मतलब गहरा, अस्मि मतलब हूं, इति मतलब ऐसा, त्वम मतलब होता तुम, और खेदम मतलब खेद या दुख, और कूप मतलब कुआं। कदापि यानी कभी भी, मां मतलब मत, और कृथा मतलब करो। तो पूरे का अर्थ हम लोग देखेंगे बच्चों। इसको लिखने से पहले बच्चों हम लोग जान लें इसका संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पाठ अन्योक्ति विलासा से उद्धृत है या लिया गया है, और फिर उसके बाद हम इसमें प्रसंग लिखेंगे कि इस श्लोक में जो लेखक है उसने कुएं पर ढाल करके गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करने वाले एवं सहृदय व्यक्ति की इस श्लोक में प्रशंसा की है। तो यहाँ पे है स्टार्ट होगा बच्चों यहां से अर्थ कूप से, यहाँ पे संबोधन चिन्ह देख रहे हैं ना, तो क्या होगा हे कुएं, त्वम, त्वम मतलब तुम, नित्राम, नित्राम मतलब अत्यधिक, और नीच यानी गहरा या नीचा, अस्मि मतलब हूं, इति मतलब ऐसा, और त्वम मतलब तुम यह सोचकर जो है इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, हे कुएं तुम ऐसा सोच कर कि मैं अत्यधिक गहरा हूं, कदापि, कदापि मतलब कभी भी, खेदम मतलब दुख, मां मतलब मत, कृथा मतलब करो या करना। अब पूरे सेंटेंस का अर्थ एक बार में बता रहे हैं, सुनिए, हे कुएं संबोधन चिन्ह, यह सोचकर कि मैं अत्यधिक नीच हूं या गहरा हूं, अत्यधिक गहरा हूं, कदापि यानी कभी भी, खेदम यानी दुख, मां मतलब मत, अकृथा मतलब करना या करो। अब अगली वाली लाइन देखा जाए, अत्यंत सरस हृदय, अत्यधिक सरस हृदय यानी बहुत जल युक्त, यतः, यतः मतलब क्योंकि, क्योंकि तुम क्या हो, अत्यधिक सरस हृदय यानी बहुत जल युक्त, और परेशान, परेशान मतलब दूसरों के, गुण ग्रहितासी, गुण यानी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, क्योंकि तुम क्या हो, दूसरों के रस्सी ग्रहण करने वाले हो। सब लोग कुएं से क्या करते हैं, रस्सी डाल करके और फिर जल को बाहर निकाल लेते हैं, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि तुम क्या करते हो, तुम दूसरों के गुण ग्रहण करने वाले हो। ये बच्चों पहले वाले का श्लोक हुआ। अब दूसरे श्लोक को देखेंगे, नीर छीर विवेके हंसालस्यम, हंस प्लस आलस्यम, त्वम एव तनुषी चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्या कुलव्रतम पालिष्यति कह। कह मतलब कौन। इस श्लोक में बच्चों यह बताया गया है कि हंस जैसे विवेकशील लोगों को सत्य और असत्य के निर्णय करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए यानी घमंड नहीं करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि जो हंस होता है वो क्या करता है, दूध और जल को अलग करने की उसमें गुण पाया जाता है, उसी को इसमें बताया गया है कि देखा जाए
नीर, नीर मतलब होता है जल, और क्षीर मतलब दूध, दूध और जल। विवेके, विवेके यानी विवेक में, नीर क्षीर के विवेक में। हाँ, हे हंस, यहाँ पे हंस पहले लिखा, यहाँ बाद में दिया है ना, तो इसको पहले हम लोग शुरू में लिखेंगे कि हे हंस, नीर और क्षीर यानी नीर और जल और दूध के विवेके यानी विवेक में तुम क्या करो, आलस्यम, आलस्य, त्वमेव, तुम ही, तनुषे, तनुषे मतलब करते हो, चेत मतलब यदि, यदि तुम ही आलस्य करते हो या तुम ही आलस्य करोगे। विश्व अस्मिन अधुना अन्या, विश्व में, अस्मिन अधुना यानी तो इस समय, विश्व में, अन्या यानी अन्य, कह मतलब कौन, कुल व्रतम, कुल के व्रत का, पालयिष्यति यानी पालन करेगा, अर्थात कोई भी पालन नहीं करेगा। यहां बताया गया यदि तुम ही क्या करोगे, प्रमाद करोगे, तुम ही घमंड करोगे, तुम ही इस दूध और जल के विवेक में, जल जो है विवेक में आलस्य करोगे तो क्या होगा, इस विश्व में अन्य कौन कुल के व्रत का क्या करेगा, पालन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। अब पूरे का एक बार हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं। हंस से स्टार्ट होगा बच्चों, हे हंस, चेत, चेत मतलब होता है यदि, त्वम एव, त्वम एव यानी तुम ही, तनुष्य मतलब करोगे या करते हो, क्या चीज, नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर के विवेक में, आलस्यम, आलस्य करोगे, तुम ही आलस्य करोगे तो क्या होगा, तो विश्व में इस समय, तो विश्व में इस समय, अन्य, अन्य, कह मतलब कौन, कुल व्रतम, कुल के व्रत का, पालिष्यति मतलब पालन करेगा, अर्थार्थ आप क्या लिखेंगे, कोई नहीं। तीसरे श्लोक का बच्चों शब्द अर्थ है, देखिए, कोकिल, कोकिल मतलब होता है कोयल, यापे मतलब व्यतीत करो, दिवसान यानी दिन, तावद तब तक, विरसान यानी रस विहीन, करील विट पेशु यानी करील के वृक्षों पर, यावत मिलत अली माला, इस ये तीन शब्द मिलके एक शब्द बना है बच्चों, संधि हुई है, हमने अलग अलग करके यहाँ लिख दिया, आपके बुक में एक साथ है। देखिए, यावत मिलत अली माला, अली मतलब होता है भौरा, और अली माला मतलब भौरों के झुंड, यहाँ पे अर्थ पूरे, तो देखिए, यावत मतलब जब तक, भौरों के झुंड नहीं मिलत मतलब मिलते हैं या आते हैं, को अपी, को अपी मतलब कोई भी, रसालह यानी आम का वृक्ष, रसाल बोलते हैं आम को, ठीक है, आम का वृक्ष, समलसति यानी सुशोभित होता है। कोकिल संबोधन चिन्ह, यापे दिवसान, तावत विरसान, करील विपट्टे विट पेशु, यावत मिलद अलिमालह, को अपि रसालह समुल सतिह। बच्चों इस श्लोक में यह बताया गया है कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो क्या करे, बुरे दिन में किसी बुरे स्थान पर रहकर भी यदि उसको समय व्यतीत करना पड़े या काटना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए, धैर्य पूर्वक काट लेना चाहिए।
एक बार फिर से बता रहे हैं कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बुरे दिन किसी बुरे स्थान पर रहकर भी काटने पड़े तो उसको क्या करना चाहिए, धैर्य पूर्वक काट लेना चाहिए। इसको इस श्लोक के माध्यम से समझाया। देखिए बच्चों, कोकिल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि कोकिल यानी हे कोयल, यापे मतलब जब तक, यापे मतलब बच्चों होता है व्यतीत करो, और तावद मतलब होता है तब तक, तावद मतलब तब तक। एक बार फिर से देखिए, कोकिल यानी हे कोयल, यापे मतलब व्यतीत करो, दिवसान मतलब दिन, दिन को क्या करो व्यतीत करो, तावद, तावद मतलब तब तक, विरसान, विरसान मतलब जो रस विहीन है, जिसमें रस ही नहीं है, ऐसे करील विट पेशु, करील के विट पेशु मतलब होता है वृक्षों पर, करील के वृक्षों पर, करील का वृक्ष कैसा होता है, उसमें रस नहीं होता, रस विहीन होता है, तो वही कहा गया है कि रस विहीन करील के वृक्षों पर क्या करो, तावद, तावद मतलब तब तक, यापे मतलब व्यतीत करो, दिवसान मतलब दिन को, दिन को क्या करो व्यतीत करो, यावद, यावद मतलब जब तक, अलीमालह, अलीमालह मतलब भौरों के झुंड, मिलद, मिलद मतलब नहीं क्या है आते हैं या मिलते हैं, तब को अपी, को अपी मतलब कोई भी, रसालह, रसाल यानी आम का वृक्ष, सम्मुलसति मतलब सुशोभित होता है, जब तक कोई भी आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है तब तक क्या करो तुम, हे भौरों के झुंड, जब तक नहीं आते हैं तब तक तुम क्या करो, किस पे अपने समय को व्यतीत करो, अपने दिन को किस पे व्यतीत करो, करील के वृक्षों पर, जो कि कैसा होता है रस विहीन होता है। एक बार फिर से हम पूरे का अर्थ आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पे कोयल से स्टार्ट होगा कि हे कोयल, जब तक भौरों के झुंड, नीचे वाली लाइन में आइए, जब तक भौरों के झुंड से युक्त को अपी कोई भी रसाला है यानी आम का वृक्ष, समुलसिति यानी खिलता नहीं है, नहीं खिलता है, तावद तब तक, तावद मतलब तब तक, तू क्या कर, विरसान, विरसान मतलब रस विहीन, करील विपटेश, करील विट पेशु यानी करील के वृक्षों पर ही अपने दिवसान यानी दिन, यापे मतलब व्यतीत करो या व्यतीत कर ले, हे कोयल तुम क्या करो अपने समय को, अपने दिन को व्यतीत कर लो। तो बच्चों ये इसका अर्थ रहा। अब हम लोग बच्चों इसका हम आप लोगों को पीडीएफ भी भेज देंगे अनुवाद का, उसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और इस वीडियो को दो बार जरूर सुनिएगा, इससे बच्चों आपको अच्छे से आ जाएगा, ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया है, इसलिए जब आपको शब्द अर्थ याद हो जाएगा तो अर्थ आप आराम से लिख लेंगे बच्चों। थैंक यू।